जय श्री राम, जय शनि बाबा की, जय बागेश्वर धाम से करके। आप जैसे सभी को दर्शन हो रहा है गुरुदेव पूज्य श्री गुरुदेव का, जो कथा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से, कथा नहीं शायद बस छोटा मोटा प्रोग्राम है जो सभी संतों ने, कथावाचकों ने उनको सम्मान दिया, उपहार दिए, प्रेम दिया, सम्मान दिया और सभी को दर्शन देकर गुरुदेव ने उन भक्तों की इच्छा पूर्ण की है। ढेर सारा सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया गुरुदेव ने और अपने सुंदर दिव्य रूप सभी के समक्ष लेके आए, जो उन भक्तों के हृदय में, नेत्रों में ये आशा रहती है कि साक्षात बालाजी का दर्शन होता है। वैसे इनका सभी से हटकर है पहनना, हंसना, तिलक लगाना और चरणों में पादुका पहनना, सभी से हटकर है। सबसे ज़्यादा इनको राम नाम और हनुमत कथा करना बहुत प्रिय लगता है। मध्य प्रदेश गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम सरकार रहते हैं और यहाँ तक कि इनका नाम पंडित दी हिंदी शास्त्री जी है, जो वैसे इस समय फेमस हैं सोशल मीडिया पे और सभी भक्त उनको अच्छे से जानते हैं। सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं गुरुदेव और इनकी कथा सुनने के लिए भक्त काफ़ी दूर से आते हैं। 4-5 पंडालों की व्यवस्था की जाती है फिर भी वो कम पड़ जाती है। छोटा मोटा कार्यक्रम में भी काफ़ी भक्तों का सैलाब जुड़ जाता है और अच्छे से सम्मान किया जाता है। गुरुदेव बड़े बड़े शहरों में भी गए हैं, छोटी मोटी कथाएँ तो करते नहीं हैं, कम से कम 4-5 पंडालों की व्यवस्था की जाती है क्योंकि भक्तों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सोशल मीडिया पर, टीवी पर आते हैं गुरुदेव, जो टीवी पर आस्था चैनल पर कथा आती है, करोड़ों परिवार तो वहीं पर जुड़ा हुआ है और जहाँ कथा होती हैं तो काफ़ी दूर दूर से भक्तों का सैलाब आ जाता है। देखिए, जहाँ हनुमत कथा हो या राम कथा हो या श्रीमद् भागवत कथा हो या शिव पुराण कथा हो, भगवान का जहाँ नाम लिया जाता है वहाँ भक्तों की रुचि और ज़्यादा बढ़ जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है भक्तों को जाना और सुनना। और श्रीमद् भागवत कथा अगर जिसने 7 दिन सुन ली उसका जीवन उद्धार हो जाता है, 7 जन्म। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत कथा हम बहुत परम सौभाग्य से मिलती है, सुनने प्राप्त होती है। और गुरुदेव छोटे मोटे प्रोग्राम में जाते हैं, कार्यक्रम में, तो अपने सनातन धर्म का वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं, जो हर कोई भक्त के अंदर एक परिवर्तन आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं इनकी बातों से। जो हमारे धर्म पर उंगली करते हैं, उनकी उंगली तोड़ने वाले श्री दी हिंदी शास्त्री जी, बहुत से भक्त इनको पसंद नहीं करते और ट्रोल करते हैं कमेंटों में, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार किसी से नहीं डरते। तो गुरुदेव के बारे में अपडेट चाहिए रोज़ाना, पैर कमेंट ज़रूर कर दें और जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगली वीडियो में आपको फिर मिलेंगे, जब तक जय शनि बाबा की, जय बागेश्वर धाम की, और जब तक कथा से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।